एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और आज मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी। तो आज मैं मिक्स खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, उसमें चावल दाल के साथ मैं आटा का भी यूज करूंगी। आटा के छोटे छोटे जो है वो लोई जैसा बना के मैं उसमें डालूंगी और साथ में सब्जी भी डालूंगी इसमें। तो आप लोग देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं खिचड़ी। तो यहाँ पे देखिए, ये दाल लिया है मैंने मसूर का और यहाँ पे चावल है। तो एक कटोरी चावल लिया है और इतना मैंने दाल लिया है, एक कटोरी थोड़ा सा कम। यहाँ पे मैंने आटा थोड़ा सा लगा लिया है और ये देखिए टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और धनिया के पत्ते मैंने काट लिए हैं। साथ में मैं हरी मटर डालूंगी और यहाँ देखिए आलू और गोभी को मैंने काट लिया है। तो इन सबको मिक्स करके आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी और ये खिचड़ी जो है बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ऊपर से मैं आज इसको मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ, तो खिचड़ी जो है एकदम लाजवाब बनने वाली है। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आटे को तोड़ के एकदम छोटा छोटा इसकी लोई बना ली है मैंने, और इसी से मैं पिट्ठी तैयार करूँगी। हम लोग के तरह इसे पिट्ठी करना ही बोलते हैं। तो देखिए, मैंने दोनों हाथों की हेल्प से दबा दबा के इसे मछली का शेप दे दिया है, छोटे छोटे मछली जैसा बना दिया है। तो हम लोग अपनी भाषा में इसे पिट्ठी बोलते हैं। तो देखिए किस तरह से मैंने पिट्ठी बनाई है। तो सारे पिट्ठियों को मैं इसी तरह से गढ़ लूँगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे पिट्ठी बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो चूल्हे पे मैंने ये देखिए मिट्टी का बर्तन चढ़ा दिया था और अब इसमें मैंने तेल गरम होने के लिए डाल दिया है। तो देखिए तेल से धुआं अच्छे से निकलने लगा है। तो अब मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ और जीरा के साथ ही मैंने एक तेज पत्ता भी डाला है। साथ में हरी मिर्च मैं इसमें काट के डालूँगी। तो ये देखिए जीरा चटक गया है, तो मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं और हरी मिर्चों को डाल के मैं थोड़ा सा भून लूँगी और इसके बाद मैं इसमें प्याज डालूँगी और प्याज को भी डालकर मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। तो यहाँ भी प्याज मेरा भून चुका था, तो अब इसमें मैंने आलू और गोभी काट के डाल दिया है और इसे भी मैं थोड़ी देर भूनूंगी अच्छे से। तो यहाँ मुझे आलू और गोभी भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके थे। तो अब मैंने इसमें हरी मटर भी डाल दी है और हरी मटर को डालने के साथ ही मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। मसाले में मैंने हल्दी, मिर्च पाउडर और धनिया का पाउडर लिया है। तो ये सब डाल के साथ में मैं टमाटर भी इसमें ऐड कर दूंगी और नमक भी। तो सभी चीज़ें डालकर मैं थोड़ी देर इसको भूनूंगी। और ये खिचड़ी सब्जियों वाली बहुत ही अच्छी बनती है और पौष्टिक, हेल्दी भी है साथ में। तो सर्दियों में नया चावल आता है और नए चावल का तो अपना ही एक टेस्ट होता है, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने भी नया ही चावल लिया है और ये बहुत बढ़िया बनता है। आप लोग कभी बना के देखिएगा, इस तरह से दाल, चावल, सब्जी और आटे की पिट्ठी डाल के बहुत ही टेस्टी बनेगी। और ये अदरक, लहसुन, काली मिर्च और जीरा का पेस्ट है जो मैं पहले डालना भूल गई थी, तो अभी मैं डाल के इसे भी भून लेती हूँ। और इस तरह से खिचड़ी मेरी दादी माँ बनाया करती थी बहुत पहले, अभी तो वो नहीं है, गुजर चुकी हैं। तो पिट्ठी वाली खिचड़ी वो ही बनाया करती थी और बहुत ही टेस्टी बनता था। तो आज मुझे उनकी याद आ गई, तो मैंने सोचा कि चलो दादी के स्टाइल से ही खिचड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मसाले से खुशबू आने लगी थी, मसाले अच्छी तरह भुन गए हैं। तो अब मैं इसमें दाल और चावल धो के डाल देती हूँ। इसे पहले मैंने धो लिया था और उसके बाद इसमें मिलाकर मैं इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। और चावल दाल को भुनने से उसका टेस्ट जो है और भी बेहतर आता है। तो देखिए मैंने उसे भी भून लिया है और यहाँ देखिए ये भून चुके हैं। तो दूसरी तरफ चूल्हे पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, पानी जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर दूंगी और गर्म पानी डाल के मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी और मिलाने के बाद मैं इसे ढक दूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए 5 मिनट बाद ही अच्छे से ये उबलने लगे थे।
तो अब मैंने जो आटे का बना के रखा हुआ है ना, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब देख सकते हैं उबलने के बाद ही इसमें डालें, पहले डालेंगे तो ये सड़ जाएगा। तो अच्छे से जब खिचड़ी उबल गई थी तब मैंने इसमें ऐड किया इसको। और ये देखिए, इसको चला के मैं फिर से ढक देती हूँ पकने के लिए। तो चलिए, खिचड़ी को पकते हुए टाइम हो गया 10 मिनट के करीब। तो अब मैं उसे चेक कर लेती हूँ, ये पूरी तरह से अब पक चुका है। तो मैंने जो धनिया पत्ती काट के रखी थी वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और धनिया पत्ती डालने के साथ ही मेरी खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए खिचड़ी मेरी। तो खिचड़ी के साथ आलू का चोखा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट आज मैंने आलू का चोखा नहीं बनाया है क्योंकि मेरे यहाँ सवेरे की सब्जी भी बची हुई है, तो खिचड़ी के साथ मैं वही खा लूँगी। और इसके साथ अभी मैंने धनिया की चटनी पीसी है, धनिया डाल के और उसमें टमाटर डाल के, तो मैं वही खाऊँगी। और ये देखिए बर्तन भी कुछ थे तो मैंने लगे हाथों सबको धो दिया है। और अब देखिए मेरी खिचड़ी तो ये अच्छे से बन चुकी है। अब मैं इसका गैस जो है ऑफ कर दूंगी और इसे ढककर रख दूंगी। तो ये देखिए मिट्टी की हांडी का कमाल, मैंने गैस ऑफ कर दिया था फिर भी ये अभी तक उबल ही रहा है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और गरम मसाला डाल के मैं इसे चला लूंगी, अच्छे से मिला लूंगी और इसे थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी। उसके बाद मैं इसे निकाल के दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए खिचड़ी को सर्व कर देते हैं। और आज खिचड़ी खाने का ही दिन है क्योंकि आज दिन शनिवार है, शनिवार को तो खिचड़ी ज़रूर ही बनाई जाती है, हम लोग के यहाँ तो बनाई ही जाती है। तो देखिए इसलिए आज मैंने भी सोचे कि चलिए आज मिक्स खिचड़ी बनाते हैं सब्जियों वाली। तो चलिए खिचड़ी को सर्व करते हैं। जिन जिन को भी खिचड़ी पसंद है वो आ जाइए खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनी है। देखने से ही आपको पता चल रही होगी कितनी टेस्टी बनी है। और इसमें मैंने थोड़ा सा घी भी ऐड कर लिया है मिला के, तो खिचड़ी के साथ घी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और देखिए सुबह की सब्जी है, धनिया की चटनी है, सूरन का अचार है। बनी है मेरी खिचड़ी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।